राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट ने अपने घर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान सचिन पायलट ने कहा, देश में अर्थव्यवस्था का संकट है, नौकरियों के आंकड़े सरकार छिपा रही है, 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई, छोटे उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। दूसरी तरफ चीन हमला कर रहा है, घुसपैठ हो रही है, सरकार का कोई रुख नहीं है, ना ही जवाब देने की मंशा है। ध्यान बटाने के लिए बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, सचिन पायलट इस दौरान कहते हैं। कांग्रेस में जोश है, सभी मिलकर काम करना चाहते हैं, इसलिए सभी ने अपनी बात अजय माकन के सामने रखी। आपको बता दे, अजय माकन का फीडबैक अजमेर में हुई झड़प पर सचिन पायलट ने कहा, जब सीनियर लोग मिलने आए और बहुत ज़्यादा लोग मिलना चाहे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, हम सभी को अपना ध्यान पंचायत चुनाव पर फोकस करना चाहिए। पायलट ने कहा, फीडबैक कार्यक्रम में हर नेता से अलग अलग बात करना नामुमकिन है। अजय माकन ने जो कहा ठीक कहा, अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो कभी भी जाकर मिल सकता है। ये पहला दौरा था, वे सभी से मिले, अलग अलग जगह जाकर सभी से बात की, अच्छी शुरुआत है, आगे भी लोगों से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट चीन को लेकर जो देश में गर्माहट है उस पर कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा चीन में घुसपैठ हो रही है, इस पर सरकार का रेस्पॉन्स क्या है? सस्पेंस बना है, हमारे जवान शहीद हुए लेकिन सरकार हाथ पर हाथ लगाकर बैठी है, हम सभी अपनी सेना के साथ खड़े हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।